तो ये है दोस्तों, ये 1000 स्क्वायर फीट की है जो नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई एक तैयारी हुई एक बिल्डिंग है जो 1000 स्क्वायर फीट में एनए के अंदर है। कॉर्नर फ्लैट है, देख लीजिए, ये एक रोड मिलेगा और यहाँ एक रोड मिलेगा और एक तीन रोड मिलते हैं इस बिल्डिंग को। तीन रोड के साथ साथ ये बिल्डिंग यहाँ पर रेडी है। चलिए हम अंदर चलते हैं। इस बिल्डिंग का बाहर का नज़ारा तो आपने देख लिया, ये इसका बिल्डिंग का फ्रंट गेट है। यहाँ से हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रंट वॉल मिलेंगे और एक फ्रंट डोर है। यहाँ पर अच्छे क्वालिटी के डोर ग्रेनाइट और वेट्रीफाइड टाइल से इसको फ्रंट में सजाया गया है। ये नीचे पार्किंग है और यहाँ पर आपको बोर मिलेगा और यहाँ पर आपको स्टॉक पानी की टंकी मिलेगी। और साथ ही साथ इन स्टेप से अंदर जाते हुए आपको यहाँ पर सागवानी के डोर मिलेंगे। सागवानी का एक चौखट है, बड़ा ही चौखट, बड़ा चौखट है और साथ साथ सागवानी का डोर है। और ये इस बिल्डिंग का यहाँ पर बहुत ही बड़ा हॉल मौजूद है जिसके अंदर नीचे पूरा ग्रेनाइट का वर्क किया गया है और साथ ही साथ ऊपर देख लीजिए, ऊपर यहाँ पर पीओपी से शानदार डेकोरेशन किया गया है और एलईडी लाइटों के साथ आपको ये देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चले चलते हैं और यहाँ पर ये भी सागवानी के फ्रेम से इसको अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पर एंट्रेंस है और यहाँ पर एक कॉमन बाथरूम है। कॉमन बाथरूम इसको भी ग्रेनाइट के फ्रेम से और डोर से यहाँ पर इसको माउंट किया गया है और आपको गर्म पानी ठंडे पानी के नल और साथ साथ गीजर गीजर बटाने के लिए आपको सारे पॉइंट यहाँ पर छोड़े गए हैं। ठीक इसके बगल में लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको इस बिल्डिंग का एक किचन मिलेगा और किचन के अंदर पूरे किचन में पूरे वॉल पर 10 फीट तक आपको पूरा यहाँ पर टाइल्स से फिटिंग किया गया है ताकि किचन आपका गंदा ना हो। और ये किचन कट्टा है, देख लीजिए दोस्तों, किचन कट्टा है और यहाँ पर चाहे आप फ्रिज भी रख सकते हैं या फिर आप ना एक छोटा सा मंदिर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इसको यहाँ पर वेट्रीफाइड टाइल से वॉल को सुरक्षित के लिए, सुरक्षा करने के लिए आपको यहाँ पर इसको फिटिंग किया गया है। साथ साथ एक ग्रेनाइट का शोकेस भी मौजूद है और ठीक इसके अपोजिट के अंदर आपको यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम के अंदर देख लीजिए, यहाँ पर 2 खिड़कियाँ हैं और ऊपर भी यहाँ पर आपको पीओपी से इसको डेकोरेट किया गया है। बहुत ही शानदार पीओपी और एलईडी लाइटिंग से यहाँ पर आपको डेकोरेशन मिलेगा और वॉल पेंटिंग की तो बात करें तो बहुत ही उम्दा क्वालिटी की पेंट यहाँ पर इसको पेंटिंग किया गया और इसके अंदर एक अटैच यहाँ पर बाथरूम है। इसके अंदर आपको मिल रहा है एक अंग्रेजी कमोड और 7 फीट तक का टाइल्स यहाँ पर मिल रहा है। ग्रीजर, शावर, गर्म पानी नल, गर्म पानी का नल अलग से मिल रहा है आपको और यहाँ देख लीजिए इसके अंदर ये वॉश मशीन मिलेगा और ये बाथरूम काफ़ी बड़ा है दोस्तों, देख लीजिए। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग बाहर चलते हैं। किचन में से होते हुए जैसे ही हम लोग यहाँ पर बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कपड़े वगैरह धोने के लिए, यहाँ पर आपको छोटा सा एक पैसेज मिलेगा, यहाँ पर भी नल है आपको और पूरे बिल्डिंग के अतराफ आपको 2.5 फीट का गैप है जिसे हम लोग यहाँ पर कंपाउंड को सुरक्षित किए गए हैं और पूरा एनए के प्लाट के अंदर ये पूरी बिल्डिंग बनी है दोस्तों। और इस बिल्डिंग को ऊपर जाने के लिए यहाँ पर साइड में यहाँ पर आपको ऊपर जाने का एंट्रेंस है। तो चलिए मैं आपको ऊपर जाने के एंट्रेंस में लेकर चलता हूँ। यहाँ पर एक गेट है और यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और ये रोड आपको मिलेगी। जैसे ही हम लोग यहाँ पर सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो आपको ऊपर जाने का एक नज़ारा मिलेगा। तो मैं आपको ऊपर ले जा रहा हूँ। तो ऊपर में भी कितने बेडरूम और क्या किचन वगैरह है बनाया गया है वो भी देखेंगे। तो देख लीजिए, ग्रेनाइट और वेट्रीफाइड से बहुत ही अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो मैं आ गया इस बिल्डिंग के अतराफ और ये है इस बिल्डिंग का फ्रंट गेट। इसको भी सागवानी के चौखट से यहाँ पर इसको डोर के साथ इसको फिटिंग किया गया है, देख लीजिए ये डोर है। और इसके अंदर भी यहाँ पर फर्स्ट को आपको ग्रेनाइट का फ्लोरिंग मिलेगा। ओके, लाइट लगा दिया। चलो, यहाँ पर भी आपको पीओपी मिलेगा। पीओपी का शानदार नज़ारा देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर सीलिंग पर यहाँ पर पीओपी किया गया है, नीचे पूरा ग्रेनाइट का फ्लोरिंग है। वाह, ठीक इसके बगल में आपको एक बेडरूम मिलेगा, देख लीजिए बेडरूम भी कितना शानदार है। वाह, कितना शानदार बेडरूम है। इसके अंदर भी आपको पीओपी का नज़ारा देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको 3 ट्रैक स्लाइडिंग के साथ आपको खिड़की मिल रही है और यहाँ पर एक शोकेस है जहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं और यहाँ पर आप डोर भी देखेंगे तो आपको ये डोर सारे सागवानी के मिल रहे हैं। ठीक इस हॉल में आ गए, फिर यहाँ पर एक सागवानी का फ्रेम है, सागवानी का डोर चौपट फ्रेम। इसके साथ अपोजिट में आपको एक बाथरूम मिलेगा इंडियन कमोड के साथ, इंडियन कमोड के साथ एक बाथरूम है, देख लीजिए बहुत ही काफ़ी बड़ा बाथरूम है और इसके अंदर आपको ग्रीजर, ठंडे पानी गर्म पानी के अलग अलग डिवाइडेशन, शावर के साथ आपको पूरा मिलने वाला है और इसका फ्रेम भी ग्रेनाइट से बना हुआ है और इसके ठीक अपोजिट में यहाँ आपको हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन है और इसके ठीक बगल में लेफ्ट साइड में आपको उसी तरह से यहाँ पर एक किचन मिलने वाला है जिसके अंदर 7 फीट तक का
पूरा टाइल्स लगा हुआ है ताकि आपका किचन गंदा ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरे वेटरिंग पैड के टाइल्स नीचे जिस तरह किया गया है उसी तरह यहाँ पर ऊपर भी किया गया है। और देख लीजिए ये एक शानदार यहाँ पर शोकेस है जो व्हाइट ग्रेनाइट के अंदर, और यहाँ पर है ये किचन का कट्टा जहाँ पर आप उम्दा और लजीज खाना बना सकते हैं। और यहाँ पर दो नलों का डिवाइडेशन है पानी के लिए और धोने के लिए, पीने के लिए पानी आपको मिलेगा। और यहाँ पर फ्रिज या आप मंदिर बनवा सकते हैं। ठीक इसके यह बगल में आप यहाँ पर एक पैसेज है जहाँ पर आप ऊपर के फैमिली वाले यहाँ पर कपड़े वगैरह धो सकते हैं और यहाँ पर बर्तन वगैरह धो सकते हैं। ये पूरा पैसेज है या शाम में एक 10-15 मिनट बैठने के लिए भी जगह है। चलिए चलते हैं हम इस किचन से होते हुए बाहर होते हैं। बाहर होकर सामने अपोजिट में ठीक उसी तरह जिस तरह नीचे है यहाँ एक आपको बेडरूम मिलेगा। वाओ यहाँ पर भी आपको पीओपी का शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है दोस्तों। सुपर 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 देख लीजिए कितना शानदार पीओपी किया गया है। और वो पेंटिंग की बात तो ना पूछो दोस्तों, उतना हाई क्वालिटी का पेंट है। और आपको यहाँ पर ग्रेनाइट का फ्रेम और 3 स्लाइडिंग के खिड़कियों के साथ यहाँ पर आपको एक मिलेगा मास्टर बाथरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर मास्टर बाथरूम है, यहाँ पर कमांड है, कमांड के अंदर यानी अंग्रेजी कमांड के साथ आपको मिल रहा है। ये पूरा बाथरूम है, शावर है, ग्रीजर है के पॉइंट्स अगर यहाँ छोड़े गए हैं और गर्म पानी ठंडे पानी के अलग अलग आपको यहाँ पर डिवाइडेशन मिलेंगे। ये शानदार बाथरूम है और इसका जो फ्रेम है डोर फ्रेम है उसको यहाँ पर ग्रेनाइट से बनाया गया है दोस्तों। तो आपको कैसी लगी ये बिल्डिंग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नीचे का और ऊपर का फ्लोर मैंने आपको बताया कि किस तरह यहाँ पर आप 1000 स्क्वायर फुट में येने के अंदर कॉर्नर प्लॉट के अंदर आपको ये बिल्डिंग मिल रही है दोस्तों। और आपको ये बिल्डिंग चाहिए तो ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर हमें कॉल कीजिए, हम आपको ये बिल्डिंग दिलाने में आपकी डीलिंग कराने में हम आपकी मदद करेंगे। तो ज़रूर कॉल कीजिए।